गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल डू आवर मैप वर्क. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैप वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज एंड द स्टेट. ओके, नाउ एवरीथिंग इज विजिबल टू यू. बट द फर्स्ट वन इज यू हैव टू नो अबाउट द स्टेट्स इन इंडिया. एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स आर इन इंडिया एंड 9 टेरिटरीज. ओके, 9 territories, union territories are there in the India. Okay, with this map we will try to understand, we will see the concepts of question related to the map. First question is beta, the island group of India lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal, that you have to write down name of the islands which lies in the Arabian Sea and the Bay of Bengal. You can here see here Arabian Sea, Deep and Daman and Deep, and second one is here beta Lakshadweep, and Deep and Daman are the islands, and next one is the beta Andaman and Nicobar. Here beta ye jo aapka hai Andaman and Nicobar lies in the Bay of Bengal. Okay beta, clear to everyone. तो आपको ये बताना है कि जो आपका ये है तो कहाँ पे lie up करता है. ठीक है, your next question is the countries constituting the Indian subcontinent. Answer is India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. Beta, you know about the meaning of subcontinent? As you know, in the world, 7 continents are there, and India is a subcontinent country. You know the meaning of the subcontinents, beta. Subcontinents country means which country is covered with the water by three sides. So India ka ye, you are watching the India location, beta. So ye kya hai? Arabian Sea here. Arabian Sea is there, and here. बे ऑफ बंगाल एशिया, ये हियर इंडियन ओशियन. इट मीन्स द इंडिया इज कवर्ड थ्री साइड्स बाय द वॉटर. दैट्स वी सेज दैट इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट. ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या है, द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूटिंग द नेपाल सब कॉन्टिनेंट. इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. The state trove is the Tropic of Cancer passes. As we know that from the 8th state of the India, the Tropic of Cancer passes. Beta, Tropic of Cancer, this is your Tropic of Cancer. In the world map, it is drawn on 23.5 degrees north. We already discussed our latitude and the longitude with the help of the diagram. Okay, and we already discussed in our map work about the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Then beta, yahan pe wo kaun kaun sa state hai, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. Here beta, you can see from where the Tropic of Cancer pass out. फर्स्ट वन इज द बेटा गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान. बेटा राजस्थान में देखो, बिल्कुल जो नीचे वाले एरिया वहां से टच करके गई है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश. नेक्स्ट वन इज झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. जो बेटा 8 स्टेट है, दीज आर 8 स्टेट फ्रॉम वेयर द ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट फ्रॉम द इंडिया. क्लियर बेटा. नेक्स्ट वन इज द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन इंडिया इन डिग्री. एज यू नो दैट द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, एंड वी ऑलरेडी डन इन आर प्रीवियस वीडियो, द नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री, दैट इज 37.6 degrees नॉर्थ. ओके बेटा, एंड द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन डिग्री, दैट इज द 8 degrees
4 minutes north. Beta, we already discussed in our previous video about the latitude and the longitude. ओके कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं बेटा. चलो अब दोबारा से करते हैं. इट इज अर्थ इन ए जियोइड फॉर्म. ठीक है, दीज आर योर लेटिट्यूड. ठीक है बेटा, ये जो आपकी ये लाइंस होती है ये क्या होती हैं, लेटिट्यूड्स होती हैं. क्लियर. और जो इस टाइप की होती है आपकी ये वर्टिकल लाइन, दीज आर योर लॉन्गिट्यूड. एंड लेटिट्यूड डिवाइड्स योर अर्थ इन टू पार्ट्स, दैट इज सदर्न पार्ट एंड द नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है, ये आपका अपर इक्वेटर, जो अपर इक्वेटर एरिया होता है दैट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड द बिलो एरिया ऑफ द इक्वेटर दैट इज नोन एज योर सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, एंड द लॉन्गिट्यूड डिवाइड योर अर्थ इन टू पार्ट, इट दिस वन इज ईस्टर्न पार्ट एंड दिस वन इज वेस्टर्न पार्ट. ठीक है, तो इंडिया इज लाइज हेयर. तो यहाँ पे बेटा जो इंडिया का क्या है आपका नॉर्दर्न, ये आपका है, ये है बेटा आपका डिग्री में नॉर्दर्न मोस्ट लेटिट्यूड, दैट इज द ये 37 degrees 6 minutes north. वी ऑलरेडी डिस्कस इन आर प्रीवियस वीडियो बेटा. ठीक है, तो आपका ये क्या है, जो आपका ये नॉर्दर्न मोस्ट जो आपका यहाँ पे लैटिट्यूड है दैट इज 37 degrees 6 minutes north. इट इज योर नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड. ओके बेटा, एंड सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड बेटा, इट इज योर सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड 8 degrees 4 minutes north. 8 degrees 4 minutes north. क्लियर टू एवरी वन हेयर टिल हेयर. आपका सदर्न मोस्ट, क्योंकि ये बेटा क्या है नीचे की साइड है. ठीक है, क्योंकि ये क्या है बेटा आपका नीचे की साइड है, तो आपका इंडिया का ये मोस्ट, ये सदर्न मोस्ट लेटिट्यूड क्या है 8 degrees 4 minutes north, और जो नॉर्दर्न मोस्ट है वो है आपका 37 degrees 6 minutes north. ओके बेटा, द ईस्ट, नेक्स्ट वन इज द ईस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, वो है बेटा आपका 68 degrees 7 minutes east एंड 97 degrees 25 minutes east. ओके बेटा, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज दैट इज कन्याकुमारी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा योर द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज, जो थ्री सीज पे आपका प्लेस क्या होता है बेटा होता है वो है आपका कन्याकुमारी. हेयर कन्याकुमारी स्टेट इज हेयर, एंड बेटा ये क्या है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, तो थ्री सी से क्या है कवर्ड है दैट इज योर कन्याकुमारी, द प्लेस सिचुएटेड ऑन द थ्री सीज. ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, वो कौन सी स्टेट है, विच स्टेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका, दैट इज पाक स्टेट बेटा. यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये यहाँ पे आपकी क्या है पाक स्टेट. ठीक है, पाक स्टेट इज हेयर एंड विच सेपरेट द इंडिया फ्रॉम द श्रीलंका, इट इज योर पाक स्टेट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन इज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दैट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एज आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दैट 9 यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया. फर्स्ट वन इज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर. ये बेटा जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है वो लास्ट ईयर आपके अगस्त में क्या हुआ था यूनियन टेरिटरी बनी थी, उससे पहले बिफोर द लास्ट अगस्त देर वर 7 यूनियन टेरिटरीज इन द इंडिया. ओके बेटा, क्लियर टू एवरी वन दिस टाइप ऑफ मैप टू यू. ठीक है बेटा, इन दिस मैप बेटा ऑन द मैप लोकेट एंड लेबल एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग विद एप्रोप्रिएट सिंबल, हेयर सम पार्ट्स आर गिवन टू यू, देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वेयर इट इज लोकेटेड. स्टेट विद इट्स कैपिटल जयपुर, बेटा जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान, यू नो
the capital of Rajasthan, that is Jaipur beta. Then you have to draw in Jaipur. Jaipur, ये राजस्थान बेटा कहाँ है? Here Rajasthan. Okay, it is your Rajasthan state, and you have to tell the capital of the Rajasthan, that is Jaipur beta. Next one is capital of Bihar. Capital of Bihar, you know the capital of Bihar, that is the Patna beta. And where is Bihar located? Here. It is your Patna. Patna. It is your Patna and the capital of Bihar. Clear, beta? Next one is the A, tropic of the standard meridian of India. That what is the from where the standard meridian pass out from the India. Okay. That is बेटा यहाँ से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास आउट होता है? आपका यहाँ से बेटा ये आपका इन स्टेट से आपका आप जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन पास आउट होता है. यू हैव टू नो दीज स्टेट्स. ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एज वी रिसेंटली स्टडी अबाउट अबाउट दिस दो स्टेट फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास्ड गुजरात. ये रहा बेटा, इट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश. ये बेटा आपको सारे के सारे यू हैव टू टेल द ऑल नेम्स ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम वेयर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास आउट. ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज ए स्टेट इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया बॉर्डरिंग थ्री कंट्रीज बट नॉट बॉर्डरिंग चाइना. यू हैव टू टेल विच A state in the eastern region of India bordering three countries but not bordering China. बेटा आपको वो state बताना है. You have to tell the state which not touch with the China, whose border not touch with the China. That is your बेटा Nagaland. क्योंकि Nagaland कहाँ है? Nagaland आपका बेटा यहाँ पे है. It is your Nagaland. ठीक है, ये क्या है? चाइना. क्योंकि चाइना आपका कहाँ है? वेर इज चाइना? इट्स योर क्वेश्चन बेटा. यू हैव टू मेंशन द चाइना हियर. ओके, नेक्स्ट वन इज, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टेट इन एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के एक्सट्रीम में है, बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट्स में. दैट इज अरुणाचल प्रदेश. इट इज योर अरुणाचल प्रदेश. This one. Clear बेटा, it is your Arunachal Pradesh. ये क्या है? आपका Arunachal Pradesh है. Now tell me any doubt in this map बेटा. In this map your latitude and longitude also given. Latitude 8° 4' N to 37° 6' N. Okay, and longitude 68° 7' E to 97° 25' W and ये आपका टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, एंड द टोटल बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200 किलोमीटर. ओके बेटा, एंड द टोटल कोस्टल लाइन बाउंड्री दैट इज 7,516 किलोमीटर. Clear to everyone about the India size and location beta, and we already discussed about the day night difference in states of the India in our previous videos. Okay, it is your next question beta. On the map of India, locate and label any four of the following features with appropriate symbol. First one is the state located in the center part of the India. Which state is in the center part of India? That is the Madhya Pradesh. बेटा center part में क्या है? Center part as
The Tropic of Cancer divide our India in two equal parts, almost two equal parts. तो ये आपका क्या है जो बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है, दैट इज मध्य प्रदेश. ओके, तो फर्स्ट वन द स्टेट लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, दैट वन इज मध्य प्रदेश. एंड सेकेंड वन इज कैपिटल ऑफ ओडिशा. यू नो द कैपिटल ऑफ ओडिशा बेटा, हुज नो, भुवनेश्वर. इट इज योर भुवनेश्वर. वेयर इज योर भुवनेश्वर बेटा? इट इज योर भुवनेश्वर. ठीक है, इट इज योर भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ द ओडिशा. नेक्स्ट वन इज कैपिटल ऑफ गुजरात. कैपिटल ऑफ गुजरात बेटा गांधीनगर. आपको गुजरात के बारे में तो पता है, इट इज योर गुजरात. एंड द कैपिटल ऑफ द गुजरात, दैट इज गांधीनगर. क्लियर. नेक्स्ट वन इज बेटा ए स्टेट विद इट्स कैपिटल बेंगलुरु. बेटा बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? यू नो, कर्नाटका की. एंड वेयर इज कर्नाटका? कर्नाटका इज हेयर, इट इज योर कर्नाटका. ठीक है, तो ये किसकी, बेंगलुरु किसकी है? कर्नाटका की. द कैपिटल ऑफ बेंगलुरु इज कर्नाटका. नेक्स्ट वन इज द स्टेट विद इट्स कैपिटल लखनऊ. लखनऊ की कैपिटल कौन सी है बेटा? हु विल टेल मी द कैपिटल ऑफ लखनऊ? हु नोज बेटा, कैपिटल ऑफ लखनऊ है आपकी उत्तर प्रदेश. कैपिटल ऑफ लखनऊ, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश. एंड नेक्स्ट वन इज कैपिटल ऑफ हरियाणा. ऑल यू नो अबाउट द कैपिटल ऑफ हरियाणा, दैट इज चंडीगढ़. तो चंडीगढ़ कहाँ है आपका? ये आपका बेटा है क्या? चंडीगढ़.